चौंक गए दुनिया वालों। हाँ। अरे आप क्या, मैं खुद ही चौंक गया हूँ साला, एक ही हफ्ते में दूसरा वीडियो, इतनी कॉन्स्टिपेंसी। अरे भाई वो कॉन्स्टिपेंसी नहीं, कंसिस्टेंसी होता है। हाँ तो हमारे चैनल पे ये कभी हुआ नहीं ना, इसीलिए ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाया। हमारे चैनल के लिए तो ये वर्ड तो नया है ना। नया है वो। तो लेडीज एंड लेडर्स, आज हम देखने वाले पाकिस्तान के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म में छुपे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को, जैसे कि पाकिस्तानी टिकटॉक, पाकिस्तानी शो, और पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में तो आपको पता ही है। एनी यंगस्टर कैन बॉल दूसरा विद इन 15 डिग्री, बट आईसीसी बैन स्टेट वे सेट nobody can bowl, science said. Why the science fucking man? What is the sense? Science is the man. Science is the man. हाँ, science is the man and man is हुतिया। नहीं मतलब अजमल भाया, माना कि तुम्हें भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की परंपरा, प्रतिष्ठा और पानपरा को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश में हगना ही था, लेकिन तुम हो कि साला तुमने लूज मोशन में ही हग दिया। अरे इतना गलत कैसे हो सकते हो अजमल भाया? साइंस इज द मैन। इतना गलत कैसे हो सकता भाई? मैन कैन डू एवरीथिंग। चलो हमारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन वहाँ इंटरव्यू ले रहे उस्मान ख्वाजा ने जो अपनी हंसी कंट्रोल की है ना, उसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया रत्न मिलना चाहिए। What is the sense? Science is the man. Man can do everything. देखो इंग्लिश वीक होना कोई बुरी बात नहीं है, मेरी भी इंग्लिश पोलियोग्रस्त ही है, लेकिन इंग्लिश ना आते हुए भी इंग्लिश की मदर सिस्टर करना, वो तो सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर से कर सकते हैं। My answer also the same, no difference. तो लेडीज एंड लेडर्स, अब हम देखने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट पाकिस्तानी शो, जो कि मैंने कल ही देखा। नहीं मतलब अगर आपको टैलेंट का टी देखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी शो में मिलेगा। तो शो का नाम है गेम शो ऐसे चलेगा। चलो फिर देखते हैं। रेडी गो। गिलगिती गाना है भाई कोई सा। महरदी 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 अची गे, महरदी 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 अची गे। क्या? अरे 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 ये क्या है, जलबिन मछली वाला स्टेप। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। नहीं मतलब दी मानना पड़ेगा आपको, किसी में सिंगिंग का टैलेंट होता है, किसी में डांसिंग का टैलेंट होता है, लेकिन कुछ ही लोग धरती पे ऐसे होते हैं जो एक साथ सिंगिंग और डांसिंग करके उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, और आप उसमें से ही एक हो। क्या कमाल का हंसी छूटने वाला सुर छेड़ा है आपने। और आपके इस वाले स्टेप के तो क्या कहने, कसम से कहता हूँ ये स्टेप अगर आपके वजीर आजम ने देख लिया ना, तो आग बंद करके वो इसे पाकिस्तान का नेशनल स्टेप घोषित कर देंगे। वैसे दीदी अभी आपने जो ये गाना गाया महरदीन महरदीन, महरदी महरदी अची गे, इस गाने का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि मेरा दिल वापस आओ। क्या क्या मतलब है कि मेरा दिल वापस? गाने का मीनिंग तो साला गाने से भी ज्यादा उलझा हुआ है। मेरा दिल भी कितना पागल है। कोई बात नहीं दीदी, अब आप घर जाओ, हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट को देखते हैं, ठीक है? थैंक यू। वैसे दीदी आपको कोई ऐसा गाना आता है जो हमको समझ में आए, आई मीन कोई हिंदी सॉन्ग? थोड़ी सी जिद्दी है मेरी यार, फूल मेरी यार, फूलों की फादी निकाल। चलिए रेडी गो, आप शुरू कीजिए। म्यूजिक शुरू करेंगे मैं साथ रिद में, आप शुरू कीजिए, हमारे शुरू हो जाएंगे साथ। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, एवरीबॉडी। अरे आराम से भाई, तेरी एवरीबॉडी सुन के मेरी डेड बॉडी बन जाती मालूम? अरे ताकत नहीं दिखानी, गाना गाना है, ठीक है आराम से गाओ। जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जिस जूझो करे वो छुए आसमान। हाँ भाई एकदम मस्त गया, तुम्हारा जज्बा सुन के ना मेरा जुनून हिल गया। चलो अब ठीक है निकलो, नेक्स्ट कंटेस्टेंट। मैं अंतरा भी गाना चाहता था। थैंक यू सो मच। अरे अरे रुको रुको, ठीक है लेकिन आराम से गाना, समझे? चलो फिर शुरू हो जाओ। बढ़ना है आगे हर कदम,
जब तक है। अरे भाई ये क्या किधर काय को? अबे अंतरा गाते गाते का तेरे मुंह में तंबोरा फंस गया था क्या? बोला था ना आराम से गाने का, फिर गले से भोंगा क्यों बजा रहा है बे? बिल्कुल चुप। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, जा पूछ क्या। भाई मेरे माना की जिंदगी पल दो पल की है, लेकिन तू अगर इतना स्लो और सुर में गाएगा तो उस दो पल के जिंदगी में से भी एक पल कम हो जाएगा। कि क्यों है जिंदगी। ए भाया कहीं नाश्ते में तूने उबला हुआ कछुआ तो नहीं खाया? इतना स्लो क्यों गा रहे हो भाई, थोड़ा स्पीड पकड़ो यार, वीडियो भी खत्म करना है। जो तू मेरा हमदर्द है। हाय तेरा ये हमदर्द सुन के ना मेरे सीने में दर्द हो रहा है अब। भाई मेरे तेरा हमदर्द ना तेरे पास ही रख, ठीक है? नेक्स्ट कंटेस्टेंट। Running in the cell, some like polo bondi, your shikama feel me, come here. लगता है इस दीदी का बचपना अभी तक नहीं गया। अरे दीदी गाना गाते टाइम क्या नॉस्टैल्जिया में थी क्या? नहीं मतलब हम भी बचपन में कैंडी पंप ऑफ दी जेम को कैंडी पॉप ऑफ दी जेम कहते थे। और रही बात इस गाने की, तो दीदी इसके लिरिक्स है शाइनिंग इन दी शेड इन सन लाइक पल ओपन ओशियन कम एंड हील मी गर्ल हील मी, ठीक है? अब गाओ। लगता है दीदी ने 250-300 सेंटर फ्रेस एक साथ ठूस लिए, इसीलिए तो लिरिक्स को अंदर ही अंदर लकवा मार रहा है। सेंटर फ्रूट कैसी जी ब्लबबबाई। खैर इस वाले शो को जाने दो, अब हम देखने वाले एक ऐसा पाकिस्तानी शो जिसे देखने के बाद आपके कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, क्योंकि साले शो का फॉर्मेट ही ऐसा है। ये लोग अपने शो में सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर्स को बुलाते हैं और फिर आप खुद ही देख लो। ओके दुआ, तो तुम टिकटॉक करो? यस। क्या करती हो टिकटॉक पर? स्लोमोस फास्ट क्या करती हो? ब्लर स्लोमोस बनाती हूं प्लस नॉर्मल वीडियोस बनाती हूं। मैं तुम्हें 5 सेकंड्स दे रही हूं, 5 सेकंड्स। ये 5 सेकंड में अपना टैलेंट दिखाओ, वो क्या होगा? दांत नहीं दिखाओ, टैलेंट दिखाओ। माय फेस खत्म, बाय बाय। तुम्हारा फेस ही तुम्हारा टैलेंट है, दूसरे लोग का फेस नहीं है। जुबान है तुम्हारी टैलेंट, जुबान इसका, जुबान और इसका मुंह इसका टैलेंट है। ग्रेट, क्या करती है इनके साथ मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ कि शो के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, तो अगर आपको शो के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ प्लीज शेयर भी कर देना, ठीक है? और हाउस एट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उसे भी डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।